हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सबका स्वागत है मेरे एक और गेम प्ले वीडियो में। सो आज के इस वीडियो में हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आप सब लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने अपने आयरन के आर्मर्स बना लिए थे। एक बार आपको पहन के दिखाता हूँ। अब यार एक काम करते हैं, इसको सीधा हाइड। हाँ, तो यहाँ पर पहले पहनते हेलमेट, फिर पहनते चेस्ट प्लेट, फिर पहनते हैं लेगिंग्स, और बाद में आता है हमारे प्यारे से बूट्स। तो यहाँ पे स्वॉर्ड भी आयरन की, तो मस्त कैरेक्टर है अपना। तो वही मैं बता रहा था, लास्ट वाले वीडियो में हमने ये सब इक्विपमेंट्स बना लिए थे। और मैंने लास्ट वाले वीडियो के एंड में बोला था कि हमें चाहिए एक डायमंड की स्वॉर्ड या पिकेक्स या तो एक चेस्ट प्लेट या फिर कुछ आर्मर। तो मैंने वो सोचा था और फिर बाद में देखा क्यों ना इस वाली वीडियो में हम करें डायमंड्स की माइनिंग। तो आज के इस वीडियो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द गेम। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर भागते हुए, अभी सामने की तरफ में एक घोड़ा है लेकिन उसके लिए सैडल चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। यहाँ पे शीप है, बहुत सारा है, बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे जने यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ लेना है तो देखता हूँ एक बार। कुछ नहीं, मेरे ख्याल से ब्रेड है, कोल है, वुड भी बहुत सारी हमारे पास, 15 है। तो चलो डायरेक्ट सीधा चलेंगे माइन में। वो जो कल हमने गुफा देखी थी लास्ट वाली वीडियो में, जिसके अंदर हम नहीं जा पाए क्योंकि अंधेरा हो चुका था, इसलिए हम अभी चलेंगे। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ लिटल बिट टाइम लेट्स गो फॉर फार। एक और बार चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड खा लेते हैं जल्दी से। खा 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 भाई खा। आगे की तरफ में बढ़ते हैं जल्दी से, यहाँ पर बढ़ते 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 बढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गुफा के बाहर। तो यहाँ पर बहुत अंधेरा, एक काम करता हूँ। हाँ, टॉर्च है मेरे पास, यहाँ पे लगा एक टॉर्च। और यहाँ पर तो कुछ नहीं, आगे की तरफ में चलते। यहाँ पे लगी एक और, एक सेकेंड। अबे यार ये गुफा, यार जाने दो यार, मैं वापस से इसी गुफा में जा रहा हूँ यार। दो तीन रास्ते में था जो एक्सप्लोर नहीं किया, घटिया सी गुफा थी यार, मैं उसके लिए पूरा वीडियो बनाने चाह रहा था। और ऊपर की तरफ में रास्ता है मेरे ख्याल से। एक काम करता हूँ, डर्ट लगा के चलता हूँ ऊपर में। अबे डर्ट तो ले ली, अब चलते इस साइड में। मुझे बंद है यार, शिट। अभी नीचे की तरफ में देखते, दो तीन रास्ते मेरे ख्याल से खुले होंगे, नहीं होंगे तो हम बना लेंगे। तो चलते जल्दी से, यहाँ पर कुछ तो नहीं दिख रहा। और लास्ट टाइम यहाँ पर ही वो लावा को मैंने बंद किया था, और यहाँ पर सामने की तरफ में था वो स्केलेटन और स्पाइडर। और वो ही बात मैं जो नहीं करना चाहता था, ये ग्रेवल आप किसी दिन सर पे गिरे ना, पूरा क्या कहते हैं वो, लॉस्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ से मैंने आयरन को माइन किया था, और सामने की तरफ में मेरे ख्याल से यहाँ पर गुफा बंद थी या कुछ तो भी था। हाँ, यहाँ पर ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर अंधेरा ऐसा क्यों है? टॉर्च लगाओ भाई, क्या हुआ, इसको तोड़ो। अबे यार ग्लिच हो गया था क्या कुछ? ठीक है, कुछ नहीं, ग्लिच हो गया था थोड़ा सा, जिसे हमने कर दिया है फिक्स। अब चलते हैं आगे तरफ में, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ में। यहाँ पर कुछ नहीं है यार, नहीं कुछ नहीं है यहाँ पर। ये तोड़ते इसको, तोड़ते चलते हैं आगे की तरफ में। तो चलते हैं जल्दी से, यहाँ पर तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको भी तोड़ू, इसको भी तोड़ू, इसको भी तोड़ो। तो यहाँ पर नीचे की तरफ में माइन करते करते मैं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा आयरन है जो कि मुझे ज़रूरत नहीं। स्ट्रेट डिगिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जब मैंने स्ट्रेट डिगिंग की है तब तक मैं लावा में गया हूँ। वैसे मैंने वीडियो में दिखाया नहीं इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास नहीं है मतलब ऐसा नहीं है पर है बात थोड़ा सा। तो यहाँ पर ब्लॉक 15, ये क्या है भाई? एक सेकंड, टॉर्च लगा। ये कुछ अलग है भाई, नया है क्या कुछ, क्या कहते हैं इसे? ये काम करते क्या, कहाँ पे? कोबल्ट डीप स्लेट। अच्छा, ये कहीं पर तो अभी सुना है मैंने, कोई बात नहीं, इसे भी कलेक्ट कर लेते। और यहाँ पे एक दो नहीं है, मतलब नॉट इवन 10-20, बहुत सारे लग रहे हैं यहाँ पे। तो इसको तोड़ लेते जल्दी से, जल्दी 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 तोड़ लेते। यहाँ पर मेरे ख्याल से 14 हाइट पे होता है डायमंड्स ना, या 12 हाइट पे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 11 हाइट पे होता है डायमंड्स। तो इसे भी निकाल लेते जल्दी से, इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो। ठीक है, यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है, अभी ऊपर के तोड़ते, जल्दी जल्दी तोड़ लेते।
तो यहाँ पर मैं तोड़ रहा था और तो यहाँ पर मैं तोड़ रहा था और तोड़ते तोड़ते यहाँ पर मुझे मिले थे आयरन, तो इसको भी जल्दी से तोड़ लेते, मतलब कलेक्ट कर लिए मैंने। यहाँ पर कुछ नहीं है यार, इतना ज़्यादा डिक करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला यार। है लालत है यार, खुद पे लालत होनी चाहिए थोड़ी सी यार। ठीक है, इसको भी तोड़ते जल्दी से। टूटे टूटा 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 एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ना। टूट गई पिकेक्स, ये मेरी दूसरी पिकेक्स थी वैसे, तो इसको रखा यहाँ पर, इसको रखा यहाँ पर, इससे बनी एक और पिकेक्स। तो इस पिकेक्स से जल्दी से तोड़ लेते हैं, बहुत देर मतलब बहुत ज़्यादा तोड़ना है अभी, डिक करना है, तो इसको तोड़ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे कॉपर भी है बहुत सारा, कॉपर को भी तोड़ लेते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से ज़रूरत ठीक है यार, ले लेते हैं, कौन सोड़ता है कॉपर। रेड स्टोन वगैरह दे देते यार, वो तो भी माइन कर लेते थोड़ा सा। और यहाँ पर अच्छा, तो यही बात कर रहा था मैं इसी आयरन की, तो इसको भी जल्दी से तोड़ लेते। टूटा 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 नहीं नहीं वापस नहीं गाना बोलूँगा। ठीक है, इसको भी तोड़ते जल्दी से। ये गया, ये भी गया, ये भी गया, और ये भी, तो जल्दी से तोड़ लेते। तो यहाँ पर हमें गुफा मिल चुकी है, फिलहाल मैं थोड़े से टॉर्च बना लेता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारा लावा है, और लावा के पास ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड्स होते हैं, तो मैं उम्मीद से आया हूँ कि यहाँ पर मुझे डायमंड्स मिल जाए। वैसे रेड स्टोन डस्ट भी है यहाँ पे, तो ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं है डायमंड्स भी हो, लेकिन हो सकते हैं यार, खुद पर विश्वास होना चाहिए थोड़ा सा। इसको भी तोड़ लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पर मेरे ख्याल से इसे ब्लॉक कर देता थोड़ी। ओए इधर नहीं, इधर नहीं, हाँ यहाँ पर रुको। तो इसके ऊपर से मैं काम करता हूँ, क्राउच करके इधर एक, दो नहीं, इसको तोड़ो, इधर एक और इधर एक लगता है ना, हाँ लग गया। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, सभी जगह को बुझा लेता हूँ एक बार, क्योंकि यार मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि मैं खुद से ही इसमें गिर जाऊँ। इसको भी तोड़ लिया, यहाँ पर लगेगा, वो लग गया वहाँ पे, बहुत अच्छे। यहाँ पर एक और यहाँ पर, अरे लग जा, और मेरे ख्याल से बस हो गया, इसको लगा देते यार। वैसे भी खतरा बहुत है, खतरा बहुत है। इधर रखा और यहाँ पर दो, इसे यहाँ पर, ये देखो गलत लग चुका है, इसको रखा यहाँ पर एक ऑर्डर ठीक खत्म हो गई थी, इसको भी रखा यहाँ पर बस हो गया इतना। ऊपर की तोड़ देते, वो वहाँ पर भी है लावा, यहाँ पर नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पर इसको बुझा देते, क्यों गलत जगह पर लग रहे हो यार, और ये बुझ चुका है लावा। तो यहाँ पर एक लगाई टॉर्च, और यहाँ पर ये रेड स्टोन को कर लेते कलेक्ट। अरे यार वैसे ये कॉबल्ड डीप स्लेट बहुत अच्छे यार, और ये पानी एक अलग परेशान करता है यार। अरे टॉर्च भी निकल गई मेरी, एक काम करता हूँ इसको जल्दी से बंद कर लेता हूँ पानी को,
तो यहाँ पर 20 से 30 मिनट माइन करने के बाद हमें मिल चुके फाइनली डायमंड्स, तो इसे जल्दी से तोड़ लेते हैं। तो इसको थोड़ा, एक डायमंड, दो डायमंड्स, ओ बहुत सारे यहाँ पे, दो डायमंड्स, तीन, और ये चार, भाई साहब चार डायमंड्स मिल गए। इससे अपना स्वॉर्ड तो बनी जाएगी, स्वॉर्ड बनेगी और बाकी कुछ नहीं। तो मुझे एक और चाहिए जिससे मैं स्वॉर्ड भी बना सकता हूँ और अपने लिए पिकैक्स भी बना सकता हूँ। तो इसको तोड़ लेते हैं जल्दी से, या फिर सामने की तरफ में एक बार देखते हो, और यहाँ पर भी डायमंड्स। ठीक है भाई, तोड़ो तोड़ो, बहुत ही बढ़िया नसीब है यार आज। इसको भी तोड़ दिया, कितने मिले, दो, और यहाँ पर एक, तीन, ओहो भाई तीन तीन डायमंड्स, आज तो खुदा मेहरबान है। यहाँ पर गोल्ड है, इस गोल्ड को कर लेते कलेक्ट। रुको यार, ओ भाई यहाँ पर भी डायमंड्स है। ओ अच्छा हुआ गोल्ड तोड़ने के लिए रुक गया, वरना डायमंड्स नहीं मिलते। तो तोड़ लेते जल्दी से डायमंड्स को। ओ भाई कितने हो गए, 9 डायमंड्स, 11 डायमंड्स और 6 गोल्ड, मतलब बहुत ही बढ़िया दिन है आज, आज दिन बहुत ही अच्छा है। तो एक काम करता हूँ, मुझे बस हो गए इतने डायमंड्स आज के लिए, मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ में, मुझे नहीं चाहिए। और लालच, लालच क्योंकि बुरी वाला होती है, समझ रहे हो। यहाँ पर खोदते मुझे मिल गई डर्ट, और डर्ट के ऊपर होती है ज़मीन, तो एक बार चेक कर लेते हैं ज़मीन है। और भाई फिलहाल अच्छा हुआ हम ऊपर की तरफ में आ गए। एक काम करता हूँ, डर्ट को फिर से लगा देता हूँ, मतलब यहाँ पे पता ना चले कि कोई आया भी था कभी। तो ये हम कहाँ आ गए, अरे बहुत पास आ गए हम उस माइन के, ठीक है अच्छा हुआ इस माइन के बहुत ही पास आ गए हम खोदते खोदते। और यहाँ पर हमें 11 डायमंड्स, ओ मतलब क्या ही। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी वुड तोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे वुड की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ी सी देर लगी, इस वुड को जल्दी से तोड़ लेते। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी वुड तोड़ ली, और लास्ट टाइम यहाँ पर ही गोल हो गया था, और यहाँ पर हमने प्यारी सी वाटर बकेट ट्रिक मार ली है। तो चलते हैं जल्दी से, ये पोशन किसने डाला भाई, बिच है क्या उसके लाइफ में, लाफिंग आ रहा है, ओ पॉइजन भी डाल दिया, जल्दी 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 उठ। अरे यार ये पॉइजन डाला यार इसने, और कुछ नहीं डालना चाहिए, प्लीज़ वापस डाल दिया यार इसने, क्या दिया ये, ओ पहले ब्रेड खा लेता हूँ जल्दी से, हेल्थ बढ़ेगी। इसने क्या दिया ये, शुगर, शुगर का क्या करूँ, पोशन दे देती तो। चलो 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 मैं मरने वाला हूँ यार, मैं मरने वाला हूँ, भागो भागो। वैसे घर दूर नहीं है मेरा, लेकिन यार वापस दौड़ के आना, इतना भी दूर नहीं है, आ सकता हूँ लेकिन क्यों। ओ भाई हाफ हार्ट में गया मैं, हाफ हार्ट बचा है मेरा, मैं कभी भी जा सकता हूँ। और ये ओ हाफ हार्ट बची है मेरी, सिर्फ हाफ हार्ट, समझ रहे हो, मतलब किसी एक ऐसे, मैंने किसी को सिर्फ ऐसा हल्का सा टच भी किया और उसने मुझे सिर्फ ऐसा धक्का भी दिया तो मैं जा सकता था भाई, तो वो मैं सीन नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं पहुँच गया सेफली घर को। ओ भाई होम स्वीट होम। और यहाँ पे विलेजर्स क्यों आ रहे हैं यार बाहर, और एक सेकेंड ये क्या चल रहा है भाई, एक सेकेंड, ये दोनों के बीच में क्या चल रही है, और भाई खुलेआम रोमांस, वो भी भरे दोपहर में सब लोगों के सामने, क्या चल रहा है भाई। ओ बहुत तेज़ हो रहे हो, बहुत तेज़ हो रहे हो सालो। एक काम करता हूँ बीच में से जाके देखता हूँ, अरे यार सॉरी मैंने इनका क्वालिटी टाइम जो करते स्पेंड वो ख़राब कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ठीक है बस हो गया, अभी कुछ नहीं कर रहे दूर जाने के बाद भी, तो जाने दो उनको, उनका करेंगे हम, देखते हैं अंदर कुछ नहीं। मेरे को अभी ये जितना भी कॉबल स्टोन है इसको रख देते हैं अंदर फ़िलहाल के लिए, मतलब जो भी काम करने ये फ़िलहाल के लिए, तो ये सब रखा, इसको भी रखे, इसको आयरन को भी रख देते हैं। एक काम करता हूँ सब मिक्स कर देते, ये 5 आयरन बचे हुए इसे भी रख देते हैं, इसको रखा यहाँ पर, यहाँ पर नहीं यहाँ पर, ठीक है ये सब ठीक है, इतना बहुत है। तो यहाँ पे 11 डायमंड्स और ये वुड को भी यहाँ पर रखा, और कॉपर, ये रॉ आयरन, रॉ गोल्ड, क्राफ्टिंग टेबल, नाइफ, ये सॉरी क्या कहते हैं इसे, तीर कमा। तो यहाँ पे ये पकाने का मेरे को ये आयरन है, क्योंकि मुझे आयरन को थोड़ा पका के ये करना पड़ेगा स्मेल्ट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ थोड़ा सा गोल्ड, और एक काम करता हूँ ये जो क्या कहते हैं इसे, कोल है, इसमें डाल देता हूँ एक, इसमें डाला एक, और क्राफ्टिंग टेबल में, एक सेकेंड मेरे को स्टिक लेने पड़ेंगे भाई, स्टिक के लिए थोड़ी सी वुड ले लेता हूँ, इतनी बहुत है, इसको रखा यहाँ पे, इससे मैंने स्टिक्स, और बारिश शुरू हुई है भाई। एक काम करता हूँ जल्दी से स्टिक बना लेता हूँ, इसको रखा यहाँ पर, इसको ऊपर रखे 3, इससे बने पिकेक्स, फिर इसको यहाँ पर, इससे बने डायमंड की स्वॉर्ड, वो बहुत ही बढ़िया। और कुछ बना सकते हैं हम इससे, क्या बना सकते हैं, चेस्ट प्लेट भी नहीं बना सकते, लेगिंग्स भी नहीं बना सकते,
मेरे ख्याल से हेलमेट बना सकते हैं, एक हेलमेट और बूट। तो एक काम करता हूँ, इसे संभाल के रख देता हूँ क्योंकि बाद में काम आएगा। चेस्ट क्यों ओपन नहीं हो रही यार, क्या हुआ? अच्छा यहाँ से होगी, तो ठीक है इसको रखा अंदर सेफली। तो इस स्वॉर्ड को भी रख लिया। एक काम करता हूँ, कुछ नहीं करता तो देखते इसमें हो चुका होगा अभी आयरन। अरे कोल ख़त्म हो गया, एक काम करता हूँ कोल डाल देता हूँ इसमें एक, ठीक है अपना पकता रहेगा आराम से। इसमें कॉपर बढ़ रहा है तो बढ़ने देते हैं। इसमें भी कोल है और इसमें देखते हैं। और ठीक है यहाँ पर वो गोल्ड पूरा स्मेल्ट हो चुका है, तो यहाँ पर